चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं ओडिशा एफसी के बारे में। ओडिशा एफसी ने किस तरीके से अपना टीम बनाया है, कौन कौन शामिल हुआ है उनके आईएसएल टीम में, आईएसएल के लिए रजिस्टर हुआ है कौन कौन सा खिलाड़ी, साथ साथ इनका वीकनेस, इनका स्ट्रेंथ और प्लेइंग इलेवन भी प्रेडिक्ट कर लेंगे क्या होगा आईएसएल सीजन 7 के लिए। ओडिशा एफसी का बेस्ट प्लेइंग इलेवन वो भी आपको पता चलेगा और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, यानी कि टोटल एक टीम प्रीव्यू वीडियो मिलने वाला है ओडिशा एफसी का, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इंट्रो के साथ। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ओडिशा एफसी का आईएसएल स्क्वाड के बारे में, यानी कि आईएसएल खेलने के लिए कौन कौन से खिलाड़ी को इनके हेड कोच ने रजिस्टर किया है। तो सबसे पहले अगर गोलकीपर की बात किया जाए तो यहाँ पर भाई अंकित भुयान, उसके बाद अर्शदीप सिंह, कमलजीत सिंह और रवि कुमार। नेक्स्ट अगर मैं डिफेंडर में देखूँ तो यहाँ पर है भाई शुभम सारंगी, जॉर्ज डिसूजा, हेनरी एंटोनियो, जैकब ट्राट, कमलप्रीत सिंह, मोहम्मद साजिद डॉट, सौरभ मेहर, गौरव बोरा और स्टीवन टेलर। इसके बाद अगर मिडफील्ड में देखा जाए तो यहाँ पर शामिल हुआ है आइजैक भन, लालरुत फेला, जेरी माविन थंगा, सेलुंग, उसके बाद कोले अलेक्जेंडर, बाउडिन दम्बोदो, नंद कुमार शेखर, पॉल सेमुएल लालम्पुया, थोइबा सिंह, विनीत रॉय और लैसरम सिंह। अगर फॉरवर्ड की बात किया जाए तो यहाँ पर है डेनियल लालम्पुया, दियागो मोरिसियो, उसके बाद मैनुएल ओनो और मार्सिलिनो। तो रहा ओडिशा एफसी का फुल स्क्वाड आईएसएल सीजन 7 खेलने के लिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस टीम के ऊपर कि किस तरीके से ये टीम परफॉर्मेंस कर सकता है, क्या है इनका स्ट्रेंथ, क्या है इनका वीकनेस। तो भाई देखिए, ओडिशा एफसी लास्ट सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, अपना डेब्यू सीजन था और 6th पोजीशन पर ख़त्म किया था पॉइंट टेबल में, लेकिन प्लेऑफ में पहुँच नहीं पाया था और इस बार टारगेट करेगा कि वो प्लेऑफ में पहुँचे। बहुत सारे चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिला है, इनके ट्रांसफर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा काम था इस बार और साथ साथ एक नया हेड कोच को भी इन्होंने चूज किया है जो कि बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस कोच है स्टुअर्ट बक्सटर। तो दोस्तों, इन्होंने ट्रांसफर मार्केट में बहुत सारे यंग टैलेंट को शामिल किया है अपने टीम में। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि इनके पास डिफेंसिव लाइन में थोड़ा बहुत कमजोरी नज़र आया था लास्ट सीजन और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्होंने काम किया है। जैसे कि गोलकीपिंग में कमलप्रीत सिंह को शामिल किया है, उसके बाद जॉर्ज डिसूजा जैसा यंग टैलेंट, सौरभ मेहर, हेनरी एंटोनियो और भी बहुत सारे खिलाड़ी इनके पास मौजूद है ऑलरेडी, जैसे कि शुभम सारंगी, गौरव बोरा। तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिफेंसिव लाइन इनका दिख रहा है जो कि लास्ट सीजन में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। साथ साथ अगर सेंटर बैक की बात किया जाए तो इनके पास भाई स्टीवन टेलर और जैकब ट्राट जैसा एक्सपीरियंस सेंटर बैक मौजूद है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंस लाइन को मेंटेन कर सकता है। इसके बाद अगर मिडफील्ड की बात किया जाए तो यहाँ पर भाई विनीत राय जैसा खिलाड़ी मौजूद है जिनको पूरी तरीके से संभालना पड़ेगा। साथ साथ जेडी और नंद कुमार शेखर, ये दोनों मिडफील्ड से अटैक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है इस सीज़न। लास्ट सीज़न जेडी बहुत ही अच्छा किया था, लेकिन नंद कुमार शेखर को इस बार थोड़ा बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा अपने अटैक को। इसके अलावा यहाँ पर शामिल हुआ है पॉल जैसा खिलाड़ी, सैमुएल लालम्पुया, उसके बाद आइजैक, बॉरविन दम्बोदो जैसा खिलाड़ी मौजूद है। उसके बाद अगर विदेशी खिलाड़ी की बात किया जाए तो यहाँ पर कोले अलेक्जेंडर मिडफील्ड में आया है और मुझे लग रहा है कि स्टुअर्ट बक्सटर इन सभी खिलाड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। स्टुअर्ट बक्सटर के अनुसार ही भाई सभी विदेशी खिलाड़ी इस टीम में शामिल हुआ है जो कि बहुत ही हाई रेटेड और हाईली प्रोफाइल खिलाड़ी है। और इसके बाद इनके अटैक लाइन पर, इनके फिनिश लाइन पर सबसे बड़ा अस्त्र है भाई मार्सिलिनो, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी है। आईएसएल में इन्होंने टोटल 5 साल बिता दिया है। इनके नाम 31 गोल और 18 एसिस्ट मौजूद है और इस स्कोर लाइन को और भी बढ़ाना चाहेगा इस बार। मार्सिलिनो के ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि भाई मार्सिलिनो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी मौजूद है आईएसएल के, अगर एक्सपीरियंस की बात किया जाए ओडिशा एफसी की टीम में तो मार्सिलिनो यहाँ पर अच्छी तरीके से मुझे लग रहा है कि काम करेगा और ओडिशा एफसी को बहुत सारा मदद मिलने वाला है इस खिलाड़ी से। उसके बाद स्पेशली अगर बात किया जाए मैनुएल ओनो को, जो कि लास्ट सीजन बेंगलुरु एफसी से ओडिशा एफसी में आया था लोन आउट होकर और यहां पर आकर भाई बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया था, 7 गोल लगाया था, 1 हैट्रिक भी उनके नाम है, 2 असिस्ट है उनके नाम। तो उसी फॉर्म को अगर इस बार वो बरकरार रखे इस टीम में तो भाई ये टीम बहुत ही खतरनाक नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और स्ट्राइकर शामिल हुआ है, दियोगो मोरिसियो, जो कि भाई ब्राज़ील से बिलोंग करता है। उसके बाद डेनियल लालम्पुया भी मौजूद है। इन सभी का भाई जो स्ट्रांग कोर हमें दिख रहा है वो बहुत ही तगड़ा है और इस बार बहुत सारा मदद मिलने वाला है ओडिशा एफसी को उनके फिनिश में।
तो ओवरऑल ऑन पेपर ये टीम बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अगर मेन स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो भाई इनका अटैक लाइन जहां पर मैनुअल ओनो जैसा खिलाड़ी मौजूद थे, मार्सिलोनो जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद थे, और अगर डिफेंसिव लाइन में देखा जाए तो यहां पर भाई स्टीवन टेलर जैसा खिलाड़ी मौजूद थे। तो इन्हीं सभी एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ एक यंग टैलेंट का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि शुभम सरंगी, विनीत राय, इन सभी खिलाड़ी को मौका मिलेगा इन सभी एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ खेलने का, थोड़ा बहुत ज्ञान लेने का, जो कि इनका मेन स्ट्रेंथ बनकर सामने आने वाला है। इसके बाद अगर वीकनेस की बात किया जाए तो भाई मुझे लग रहा है कि इनके डिफेंसिव लाइन पर थोड़ा एक्सपीरियंस का ज़रूरत है। अगर इंडियन डिफेंडर को देखा जाए तो भाई यहाँ पर उतना ज़्यादा इंडियन डिफेंडर में एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी भाई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस वाला दो सेंटर बैक इनके डिफेंस लाइन में मौजूद है। और इसके साथ साथ एक नया टीम लग रहा है, थोड़ा बहुत मिडफील्ड में चेंज हुआ है तो वो सेटल होने में थोड़ा देर लग सकता है। न्यू हेड कोच है, उनको भी ढालने में थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत हो सकता है इंडियन फुटबॉल में, इंडियन एनवायरमेंटल में। तो भाई थोड़ा यहाँ पर हमें वीकनेस दिख रहा है इस टीम में, बाकी अगर टोटली टीम देखा जाए तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब चलिए मैं आपको बेस्ट प्लेइंग 11 बता देता हूँ ओडिशा एफसी का, जो कि आईसीएल सीजन 7 में इनका होना चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से मैं बना रहा हूँ इस प्लेइंग 11 को, आप लोग अपना मत जरूर रख सकते हो इसके ऊपर। तो इनका जो हेड कोच है उनका प्रेफर्ड फॉर्मेशन भाई 4-3-3 गोलकीपिंग में रहेगा कमलप्रीत सिंह, उसके बाद राइट बैक पर होगा शुभम सरंगी, लेफ्ट बैक पर जॉर्ज डिसूजा या गौरव बोरा को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जॉर्ज डिसूजा परफेक्ट चॉइस रहेगा। उसके बाद सेंटर बैक पर टेलर के साथ जैकब ट्राट, सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड में विनीत रॉय, उसके बाद उसके ऊपर मिडफील्ड में रहेगा थोइबा और कोल अलेक्जेंडर, राइट विंग पर रहेगा जेडी, लेफ्ट विंग पर मार्सिलिनो और स्ट्राइकर के पोजीशन पर मैनुअल ओनो। तो ये रहा भाई मेरे हिसाब से एक बेस्ट प्लेइंग 11 ओडिशा एफसी के लिए आईसीएल सीजन 7 में। आप लोग भी अपना प्लेइंग 11 जरूर बताइए, और मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव टीम लग रहा है, लेकिन इनके लिए इस बार जिस तरीके से हमें कॉम्पिटिशन दिख रहा है आईसीएल में, टॉप 4 में जाना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन भाई फुटबॉल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिए कि किस तरीके से टीम परफॉर्मेंस कर सकता है और कौन से पोजीशन पर ख़त्म कर सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ।